तो समाचार प्लस के मंच पर इस वक्त हमारे साथ अतुल गेरा जी हैं, जो कि ब्लड डोनेशन के लिए खास करके एक उन्होंने अहम भूमिका निभाई है झारखंड रांची में। सर, ब्लड डोनेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल टाइम होते हैं जब लोगों को खून की ज़रूरत होती है लेकिन वो मिल नहीं पाता है, या तो अभी तक लोगों में इतनी जागरूकता नहीं आई है कि लोग ब्लड डोनेट करना नहीं चाहते, या फिर बहुत मिसकंसेप्शन भी हैं, तो इस फील्ड में अब तक आप क्या कुछ कर रहे हैं और किस सोच के साथ आगे आए थे? देखिए, जो इस वक्त मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट ये लोगों को जानने की ज़रूरत है कि क्या करने की ज़रूरत है कि हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। सो ये भारत सरकार का मैंडेट है, झारखंड सरकार का मैंडेट है कि जिसको जब भी ब्लड की आवश्यकता होगी तो ट्रीटिंग हॉस्पिटल हैज़ टू अरेंज द ब्लड, और उस पेशेंट को बेड साइड ब्लड मिलना चाहिए। और इसको लेके कई लेटर्स डायरेक्शंस गए हैं हॉस्पिटल्स को। सो ये हॉस्पिटल का दायित्व है कि वो कैंप ऑर्गेनाइज करें इन एडवांस अपना जो भी रिक्वायरमेंट है, और उतना ब्लड सुनिश्चित करें अपने किसी ब्लड बैंक में देकर कि कभी भी उनके पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता हो तो ब्लड आसानी से उनको मिल जाए और उसको उस वक्त एक डोनर ढूंढने की आवश्यकता ना हो। ये सिस्टम में है ही नहीं, ना ये कभी होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही चलता रहा है, एंड इसीलिए बहुत सिस्टम है सर, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि अवेलेबल होना चाहिए, हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके ऊपर शायद किसी की निगरानी नहीं है, इसलिए वो चीज़ हो जाती है। निगरानी तो है, लेकिन आई थिंक ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंप्लायंस कराएं। ये गवर्नमेंट ने ही डायरेक्शन दिया है और गवर्नमेंट ही कंप्लायंस नहीं करा रही है, तो अनफॉर्चुनेट है। बट अगर वो हो पाए तो बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम फिक्स कर सकते हैं, और जिसको जब भी आवश्यकता होगी ब्लड की बहुत आसानी से उसे मिल जाएगा। तो एज ए इंडिविजुअल आप इस क्षेत्र में क्या कुछ काम कर रहे हैं? अब हम लोग अपना योगदान कैसे देते हैं कि नियमित रूप से रक्तदान शिविर लगाते हैं सदर अस्पताल के साथ, ये हम लोग 2012 से कर रहे हैं। कोशिश होती है कि साल में 365 कैंप लग जाएं, लेकिन अभी 250 के आसपास कैंप्स लग रहे हैं। और ये सारे ब्लड पहले रिम्स को जाते थे, अब चूंकि सदर में बहुत लोड है, लगभग 800 से ऊपर थैलेसीमिक बच्चे हैं वहाँ पे, सो एक बहुत बड़ा जो थैलेसीमिया बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा सेंटर बन गया, कम से कम जो पहले डे केयर हुआ करता था अब वहाँ पे एक हेमेटोलॉजी वार्ड हो गया। सो ये प्रयास होता है कि हर दिन कहीं ना कहीं कैंप लगे, ब्लड सदर चल जाए। अच्छी और एक बात यह है कि चूंकि वो एक सरकारी व्यवस्था है और सारा ब्लड पेशेंट्स को इन जनरल भी और उनको भी सबको निःशुल्क मिल जाता है, तो जो दान लोग करते हैं वो दान जिस भाव से करते हैं वो दान उसी दान के रूप में लोगों को मिल जाता है, पैसे नहीं लगते हैं। और एक बात लोगों को जानने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो ये कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटी है या ब्लड चूंकि निःशुल्क है तो एक क्वालिटी पे भी यू नो दे डाउट, बट आई लाइक टू से दिस ऑन कैमरा कि इस वक्त सदर और रिम्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुकाबले कोई प्राइवेट नहीं है। उनके SOPs, सरकारी ब्लड बैंक का फेस ही आपको ज़रूर थोड़ा गड़बड़ मिल सकता है, मे बी आपको बहुत अच्छा रिसेप्शन ना मिले कई बार, लेकिन सिस्टम्स, मशीन्स, स्टैंडर्ड्स, SOPs आर वेरी गुड एंड वेरी अपग्रेडेड, और किसी भी प्राइवेट से बहुत ही बेहतर और बेहतरीन है। मुझे लगता है कहीं वो जो सोच बन जाती है ना, तो उससे वो रहता है कि शायद सरकारी अस्पताल है तो अच्छा। सर, आपने बोला कि 2012 से लगभग ये चीज़ें आपने शुरू की है, तो ब्लड डोनर्स की अगर मैं बात करूँ तो उनमें कितनी जागरूकता है इसको लेकर कि 2012 से अब 2023 हो गया, तो कितना फ़र्क आया है? देखिए, कर तो रहे हम लोग 2003 या 2004 से हैं, लेकिन कैंप शुरू हुआ 2012 से करना, और आई थिंक मेरा जो असेसमेंट है लोगों की रुझान में कोई कमी नहीं है। क्या करने की ज़रूरत है, एक हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एक डोनर फ्रेंडली ब्लड बैंक की। जैसे एक सदर ज़रूर आया, अब रिम्स एक अच्छा ब्लड बैंक है, लेकिन वहाँ पे चीज़ें इतनी आसान नहीं है, कोई एक अगर वॉलेंट्री डोनेशन भी करने जाएगा तो इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है डोनर फ्रेंडली एक ब्लड बैंक की। और इसके बाद ये गवर्नमेंट को भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है कि जैसे जितनी संस्थाएँ हैं, कॉलेजेस हैं, हर जगह नियमित रूप से कैंप लगते रहें, ये मैंडेट हो, ये कैलेंडर बने, और जितने डिपार्टमेंट हैं ये सुनिश्चित करें कि वो अपने नीचे जितने मैन फोर्स हैं इनके पास, सब विभागों में नियमित रूप से कैंप हो। इसको कन्वीनियंट बनाने की ज़रूरत है, लोगों के लिए आसान बनाने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से लोग इस वक्त काफ़ी जागरूक हैं, अगर हम उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी, वो कन्वीनियंस पैदा कर पाएँ कि आपके घर में यहाँ पे कैंप हो जाए और वो आसानी से दे पाएँ। और उसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब लोगों को आवश्यकता हो द सेम ब्लड बैंक शुड रिस्पॉन्ड इन द सेम वे दे टुक ब्लड। तो ये दो चीज़ें जहाँ हो गई वहाँ पर लोग जुड़ेंगे, पूरे भाव से जुड़ेंगे, और ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी। और हम भी उम्मीद करते हैं आप जिस तरीके इस फील्ड में आए हैं लोगों के बीच इसको लेकर जागरूकता और भी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।